Hello everyone, welcome to all of you in FFB Life Chemistry class. Hello alkane and hello arene chapter. इन दिनों चल रहा है आज क्लासेस में, जिसमें कि हमने प्रिपरेशन किस कितने तरह से होता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन इस पर डिस्कस किया है. उसके अलावा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन भी डिस्कस हो चुकी है. आज हम आज के क्लास में सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, और उसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन विद मेटल्स, इन सारी इस तरह की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इन हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, इस पर हम डिस्कस करेंगे. हाँ जरा बिजी तो मैं क्लास ले रहा था, जरूरी काम है बताओ. हाँ बात हुई है अभी दिक्कत है, अभी बात कर लो. हाँ चलो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी वहाँ कर लो. हाँ ठीक है. तो आज का टॉपिक था, टॉपिक है बल्कि था नहीं, वो है सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन. तो इसमें हम जनरली डिस्कस किस पे करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिडक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स. इस तरह के रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन पे, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन इन हेलो एल्कीन्स एंड आल्सो इन हेलो एरीन. द रिमूवल ऑफ टू एटम्स ऑफ ग्रुप्स, वन बीइंग जनरली हाइड्रोजन एंड द अदर बीइंग ए लिविंग ग्रुप एल, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड अनसेचुरेटेड, दैट इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन. यानी हेलो एल्कीन से, इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, पहला कार्बन जो होता है वो अल्फा, दूसरा बीटा जो कि दूसरे ग्रुप से जुड़ा होता है. तो एल जो कि लिविंग ग्रुप है यानी हेलोजन ग्रुप, और एच एक हाइड्रोजन ग्रुप, इन दोनों का रिमूवल कहलाता है. और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और एच प्लस और एल रिमूव हो करके एच एल बनाते हैं. Now the elimination reactions are divided into two classes. First, E1 reactions. E1 stand for unimolecular elimination. E2 stand for bimolecular elimination. Now E1 reaction. This occurs in two steps. First step, the alkyl halides ionize to give carbocation like this. Ionize, this start butyl halides. Ionization slow होता है और ये बनाता है टर्ट ब्यूटिल कार्बो कैटाइन, कार्बन पे प्लस चार्ज है और ये लिविंग ग्रुप एक्स अलग हुआ. सेकेंड स्टेप, कार्बन कार्बो कैटाइन लूजेज ए प्रोटॉन फॉर्म द बीटा कार्बन एटम बाय बेस न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एल्कीन लाइक दिस. दिस इज द बेस CH3OH, एच यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना और ये रिएक्शन फास्ट होता है, बेस के साथ रिएक्शन होता है. दिस इज द कार्बो कैटायन एंड दिस इज द बेस, बेस का OH है. हाँ, और इससे रिएक्शन फास्ट होता है और मेथिल प्रोपीन बनता है. इन दिस सेकेंड स्टेप यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना और एच यहाँ पे जुड़ जाता है. तो ये हो गया 2 मेथिल प्रोपीन एंड H2O इज एलिमिनेटेड. मेनी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड्स अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस व्हेन हीटेड इन एन आयनाइजिंग सॉल्वेंट दैट इज एल्कोहल KOH. द थर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट्स विद
एथिल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड टेम्परेचर 2328 दिस फॉर्म आइसोब्यूटिलीन IUPAC नाम 2-methylpropene यहाँ पे इसी तरह यहाँ कार्बोकेटायन बना PR एलिमिनेट हुआ उसके बाद ये रिएक्शन करता है OH से और बनाता है डबल बॉन्ड कंपाउंड एंड HBr इज एलिमिनेटेड. नाउ डिहाइड्रोहैलोजनेशन मीन्स एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन का निकलना डिहाइड्रोजनेशन. उसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ H2, हैलोजनेशन रिमूवल ऑफ X एंड डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेशन इज द रिमूवल ऑफ H2O एंड डिहाइड्रोजनेशन इज द रिमूवल ऑफ H आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ E1CB means unimolecular elimination. CB conjugate base or carbanium mechanism. This is another mechanism of beta elimination reactions. When beta hydrogen is strongly acidic and the halide ion is a poor leaving group, the mechanism involves first step removal of proton by conjugate base to produce carbanion. Removal किसका हो रहा है? Hydrogen का हो रहा है यहाँ से. This is the compound 1,1-dichloro-2,2-trifluoroethane. This reaction is slow. C2H5 sodium ethoxide से reaction होता है. तो ये carbanion बन रहा है. और ये तेजी से जो secondary carbanion है, ये unstable होता है और ये वापस compound में convert हो जाता है. तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है द कार्बन आयन लूजेज एंड लीविंग ग्रुप टू फॉर्म एन एल्कीन. दिस इज ए स्लो स्टेप डिटरमाइन. तो कार्बन आयन फ्लोरीन लीव करता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच बन गया और एल्कीन बना. तो सेकेंड स्टेप दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ E2 रिएक्शन इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन. This is bimolecular reaction, not bio. It is a bimolecular reaction since substrate and base are involved in the rate determining step and the product obtained takes place through the formation of transition state. That is one step process hota hai E2 reaction. This is the nucleophile. एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करता है तो यहाँ क्या बनता है ये ट्रांसिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इधर और इधर का ये ब्रोमाइड की तरफ ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पे ये ट्रांसिशन स्टेट कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और ये तेजी से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में एथिलीन और C2H5OH एंड ब्रोमाइड एंड इज एलिमिनेटेड. Now primary alkyl halides and some secondary RX undergo elimination or dehydrogenation by E2 mechanism. Like SN2 reaction, E2 reactions occur in one step through a transition state. Thus E2 reactions like SN2 reactions show second order kinetics, that is rate proportional is equal to KRxNu. RX alkyl halide and NU is nucleophile. An important aspect of elimination reaction is that they are always accompanied by substitution reaction as well. Thus, in the given reaction, along with ethene, some ethyl alcohol is also formed. Similarly, dehydration of 2 degree and 3 degree alcohols take place by the E1 process and 1 degree alcohol by E2 process. Now another reaction is formation of alkenes. This is known as dehydrohalogenation. यानी alkyl halide से hydrogen और halogen दोनों atom eliminate हो जाता है. इसको कहते हैं dehydrohalogenation. That is formation of alkenes. When haloalkanes are heated with a concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide, they undergo hydrohalogenation, that is removal of HX to form alkenes.
These reactions are called beta elimination reaction because the hydrogen atom of haloalkanes which is eliminated comes from beta carbon. Beta carbon is the carbon atom next to the which carries the halogen. तो जो एटम कैरी कर रहा है एक्स को उसका जो नेक्स्ट कार्बन वो बीटा कार्बन और ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है. दिस इज एलो एल्केन रिएक्ट्स विद KOH एल्कोहलिक KOH इट फॉर्म्स एल्कीन एंड H2O एंड KX. एग्जांपल ब्रोमोएथेन. दिस इज ब्रोमोएथेन रिएक्ट्स विद KOH नाउ इट फॉर्म्स एथीन एंड H2O. मैकेनिज्म सेम होगी. The reactivity of haloalkanes towards elimination reaction is tertiary is more reactive in than secondary and then primary. This is due to plus I effect of the alkyl group which increases the polarity of CX bond. इस तरह से polarity जो है जब ये तीन alkyl group इससे जुड़े होते हैं तो इसकी polarity यानी CX bond की polarity बढ़ती जाती है और यहाँ पे ये इसमें कम हो जाती है. दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड आफ्टर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोएल्केन्स. टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉर्म मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स विद बीइंग मोर स्टेबल आर फॉर्म्ड एट फास्टर रेट while primary alkyl halides yield least substituted alkenes with being less stable are formed at slower rate. The chloroethene 1 degree KOH reacts with KOH to heat karne pe ye ethene banata hai. This is unsubstituted alkene and least stable. 2 degree haloalkanes that is 2 chloropropane reacts with alcoholic KOH. It's normally heat to form when it normally heated it form propene that is monosubstituted alkene. This is more stable than this. Now when 3 degree haloalkanes 2 chloro 2 methyl propane reacts with alcoholic KOH to heat karne pe ye 2 methyl propene banata hai. This is the most stable dimethyl substituted alkene. In the dehydrohalogenation of secondary and tertiary haloalkanes when there is a possibility of formation of two isomers the hydrogen atom is preferentially eliminated from the adjacent carbon atom with lesser number of hydrogen. This generalization is known as Seif rule that is the more substituted alkene is more stable. Now 2 bromo butane when reacts with KOH to kya banta hai CH3 CH2 double bond yani bromine jo hai ye eliminate hoti 70% trans and 10% cis dimethylene फॉर्म होती है विच इज मोस्ट स्टेबल. ये मोर स्टेबल है और जब इस तरह का कंपाउंड बनेगा CH3CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा दिस इज ब्यूट 1 in 20% दिस इज द लेस स्टेबल. तो एक दो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मिलते हैं एक 70% दिस इज द मोर स्टेबल एंड जो 20% मिलता है वो लेस स्टेबल. द केस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इन द ऑर्डर डीहाइड्रो जिलेशन का ऑर्डर एक थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड में फास्ट होता है उसके बाद 2 डिग्री और सबसे स्लो होता है 1 डिग्री हैलाइड्स. नाउ सेकंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स इज रिडक्शन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट रिएक्शन हैलोएल्केन्स आर रिड्यूस्ड टू करेस्पोंडिंग एल्केन्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन. Hydrogen in presence of metal catalyst such as nickel or palladium or platinum it forms alkane. Example bromoethane reacts with hydrogen in presence of nickel. Heat किया जाएगा ये निशान heat करने का है. It forms ethane and HBr. Nascent hydrogen produced by the action of zinc copper couple on alcohol or zinc HCl or SnHCl
और NaC2H5OH और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इट फॉर्म्स एल्केन लाइक दिस RX रिडक्शन होता है इनके प्रेजेंस में और एल्केन बनता है. एग्जांपल क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोहल और SnHCl इट फॉर्म्स इथेन एंड HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 423 केल्विन गिव्स एल्केन. एग्जांपल आयडोइथेन रिएक्ट्स विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट दिस टेंपरेचर इट फॉर्म्स इथेन. नाउ एरिल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन विद LiAlH4 और निकिल एल्यूमिनियम एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली और NaHgH2O. That is chlorobenzene reducted with lithium aluminium hydride or nickel aluminium NaOH. Nickel aluminium alloy with NaOH it forms benzene and HCl. Now reaction with metals. First reaction with sodium, that is formation of higher alkanes. Haloalkanes, preferably bromides or iodide, reacts with metallic sodium in presence of dry ether to form symmetrical alkanes containing double the number of carbon atom present in the haloalkane. Haloalkane reacts with metallic sodium in presence of dry ether. It forms a higher alkanes. Example, methyl iodide. CH3I reacts with sodium iodide. तो methyl iodide के ये दो molecules हैं dry ether में react करके ethane बनाते हैं. Bromoethane reacts with sodium in presence of dry ethane to form butane. This reaction is called Wood's reaction. When mixture of two is subjected to Wood's reaction, then we get mixture of three alkanes. Bromoethane plus bromomethane. Bromomethane, this is bromoethane, reacts with sodium. In dry ether, it forms ethane, propane and butane, that is mixture of alkanes. Now, Wood's fitting reaction. It is similar to Wood's reaction. Aryl halides on treatment with ethereal solution of an alkyl halides. In presence of sodium, we get alkyl substituted benzene like bromobenzene reacts with sodium and bromomethane in presence of dry ether to form toluene and NaBr. However, when only haloarenes are treated with sodium in dry ether, it forms diphenyl. This reaction is called fitting reaction. Bromobenzene, two molecules of bromobenzene reacts with sodium. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो इस तरह से ये दो बेंजीन रिंग आपस इनके कार्बन बॉन्ड बनाते हैं. दिस इज नोन एज डाइफेनिल एंड टू NaBr. नाउ रिएक्शन विद मैग्नीशियम, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद ड्राई मैग्नीशियम पाउडर इन ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हेलो एल्केन reacts dry powder of magnesium in presence of dry ether to form RMGH. This is the alkyl group and this is halogen. This is known as Grignard reagent. Example, methyl iodide reacts with magnesium in presence of ether to form methyl magnesium iodide. And ethyl bromide reacts with magnesium powder in dry ether to form ethyl magnesium bromide. Grignard reagents are used for making a very large number of organic compounds. Reactivity order is Ri is ki reactivity sabse zyada tez hogi in reactions pe, uske baad RBr, uske baad RCl. Aryl halides also form Grignard reagent in similar reaction. This is bromobenzene reacts with magnesium in dry ether to form phenyl magnesium bromide. This is the aromatic Grignard reagent. The order of reactivity RAR, any aryl iodide more reactive than aryl bromide than aryl chloride. Aryl chloride forms Grignard reagent in presence of tetrahydrofuran. THF is known as tetrahydrofuran as solvent.
क्लोरोबेंजीन reacts with magnesium in presence of tetrahydrofuran forms phenyl magnesium chloride. Now reaction with copper metal. When iodobenzene is heated with copper powder at 473 Kelvin in sealed cube, diphenyl is formed. This reaction is called Allman reaction. This is iodobenzene reacts with copper. This is also iodobenzene. So two molecules of iodobenzene reacts with copper metal. When heated in sealed tube, it forms diphenyl and UCI. Now reaction with lithium, that is formation of alkyl lithiums. Haloalkanes reacts with lithium in dry ether to form alkyl lithiums. Haloalkane plus lithium in presence of dry ether. This reaction is like that of मैग्नीशियम. तो यह अभी क्या बनता है, एल्किल लिथियम एंड एल आई एक्स. एग्जाम्पल, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद लिथियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म्स एथिल लिथियम. एल्किल लिथियम्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एरिल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आल्सो रिएक्ट्स विद लिथियम मेटल. ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विद लिथियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म फेनिल लिथियम. दिस इज द फेनिल lithium. Now reaction with other active metals, formation of organometallic compounds. When heated with zinc powder in ether, alkyl halides form alkyl zinc compound. These are called Franklin reagent. So ethyl bromide reacts with zinc in presence of ether. It forms diethyl zinc C2H5O2ZN. This is known as Franklin reagent and also forms ZnBr2 zinc bromide. When heated with lead sodium alloy in presence of dry ether, ethyl bromide gives tetraethyl lead, which is used as an anti-knock compound in petrol. 4C2H5Br plus sodium lead alloy. This is sodium lead alloy. In presence of dry ether, it forms tetraethyl lead, C2H5O4PB and sodium bromide and lead. So these are the some important reactions of haloalkanes and haloalkenes. और इसके अलावा हम इससे पहले बता चुके हैं unimolecular nucleophilic substitution reactions in haloalkanes and haloarenes. तो उम्मीद है वो भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसको भी देखो और उसके बाद इन रिएक्शंस को देखो और इन्हें लिख करके देख करके बार बार इनकी प्रैक्टिस करके इन्हें तैयार.